हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2020 में जो पेपर आया हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, आज हम उसका डीप एनालिसिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसके बारे में जानेंगे, उसका आंसर देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे हम उनको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जो 2020 का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर 31, 32, 33, 35। तो जानते हैं कि निकालते कैसे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, क्या होता है देखिए, क्या करते हैं इसमें, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन। तो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स माइनस वन। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितना था, 34 माइनस वन, तो हमारा आंसर कितना होगा, 33 मैचेस होंगे। ओके, वही अगर क्वेश्चन कभी आता है कि लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड आता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं n n माइनस वन बाय टू। ओके, n टोटल नंबर ऑफ टीम्स होता है, तो जितना भी टीम्स आएगा उसको आप कर देंगे इस फॉर्मूले के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टू प्रोवाइड इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन या ऑल ऑफ द अबव। तो बात करते हैं कि इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल होता क्या है, तो हम इसके जानेंगे क्या इसके गोल क्या होते हैं दोनों के। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रामुरल के बारे में। हाँ, तो पहला हमारा होगा इंट्रामुरल। तो इंट्रामुरल क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब होता है विद इन दी वॉल, जो वॉल के अंदर होता है, यानी किसी कैंपस के अंदर, इनसाइड स्कूल, जो स्कूल में होता है हमारे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, इनसाइड स्कूल, इनसाइड कॉलेज। ओके, जो भी विद इन द वॉल, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी संस्था के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको हम बोलेंगे इंट्रामुरल। ओके, किसी भी इंस्टीट्यूशन में होते हैं। वही बात करते हैं इसका एक और टर्म होता है एक्स्ट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल का मतलब क्या होता है, ये उसका मतलब होता है आउटसाइड द वॉल। ओके, आउटसाइड द वॉल, कि जो भी हमारे वॉल से, मतलब कि जो हमारे कैंपस से बाहर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको हम बोलेंगे एक्स्ट्रामुरल। तो इन दोनों के गोल क्या होते हैं, जैसे कि इंट्रामुरल में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें से हम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालते हैं, बेस्ट निकालते हैं हम यहाँ से, कि जो भी बेस्ट होता है हम उनकी एक टीम तैयार करते हैं और उनको बाहर भेजते हैं खेलने के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो आपने देखा होगा उन कॉम्पिटिशन को बोलते हैं एक्स्ट्रामुरल। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन में होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा जो कि बेस्ट कौन है उनमें से, है ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ये तो नहीं हो सकता है, टू प्रोवाइड इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑल ऑफ द भी नहीं होगा। तो पहला आंसर क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन ए। ओके, ना बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि है हमारा, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, शुगर में फूड कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर तो हम सबको पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट होता है। वही बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारा जो होता है जो हमारे मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, जो हमारे फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं उनको जोड़ने में प्रोटीन का यूज़ होता है। वही फैट के बारे में बात करें तो फैट हमारे जो हमारे ऑर्गन्स हो गए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और इट इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। विटामिन क्या होता है, विटामिन माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट यूजफुल रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का मेन सोर्स कौन सा होगा, विटामिन सी का मेन सोर्स होगा गुआवा, एग, मिल्क, बनाना। तो हम इसमें जानते हैं कि जो एग और मिल्क है वो हमारे प्रोटीन की मेन सोर्सेज है, वही बनाना विटामिन ए का मेन सोर्सेज है, और वही मिल्क की बात करें तो मिल्क हमारा विटामिन B12 का भी एक सोर्सेज होता है। ओके, वैसे इनमें सब मिल्क में तो हमको ज़्यादातर सब मैक्सिमम कंपोनेंट मिल ही जाते हैं, तो विटामिन सी का सबसे मेन सोर्स कौन सा है, वो हमारा गुआवा। ओके फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आसना इज
हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा आसना हेल्पफुल है? तो शवासना, पद्मासना, शलभासना, वक्रासना। तो ज़रा सोचिए कौन सा आसना होगा। शवासन में क्या होता है कि हम बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, इसमें हमारा बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, तो ये हमारे रिलैक्सेटिव पर्पज से यूज होता है। वहीं अगर दूसरे आसन की बात करेंगे पद्मासना, जो कि मेडिटेशन पर्पज ही होता है, इसमें हम अपने लेग को क्रॉस करते हैं। ओके, शलभ आसन भी अलग एक आसना होता है। ओके, एंड वक्रासन भी होता है। तो क्या होता है, बाकी तीन आसना क्या होते हैं, जैसे पद्मासन, शलभ आसन, वक्रासन। तो ये आसना किस लिए यूज़ होते हैं, ये हमारे थोड़े बॉडी, इसमें बॉडी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वही शवासन में बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स पोजिशन में होती है। तो हमारी अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा आसना बेस्ट होता है, वो हमारा शवासना। ओके, वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा गौमुख आसना, चक्रासना, मत्स्यासना आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिसीज़, डायबिटीज़, बैक पेन, अस्थमा, ओबिसिटी। तो फ्रेंड्स, वैसे इसका आंसर अस्थमा है, लेकिन जो हमारे जो क्वेश्चन हमारे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो हमारे आसना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। ओके, तो हम एक आसना से रिलेटेड पूरी सीरीज़ बनाएंगे कि किस आसना को कब करना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या नुकसान हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द पिक्चर्स। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। व्हेन चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट विद इन सोसाइटी और हैविंग नो फ्रेंड्स इज सफरिंग फ्रॉम, इसका आंसर क्या होगा, ADHD, ASD, ODD या OCD। व्हेन चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट विद इन सोसाइटी और हैविंग नो फ्रेंड्स इज सफरिंग फ्रॉम, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बात करते हैं आखिर ये है चार है क्या, ADHD, ASD, ODD या OCD। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हो गया हमारा ADHD। ADHD क्या क्या मतलब होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें जो बच्चा होता है उसको अटेंशन देने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसको भले किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, करने की इच्छा होगी, लेकिन वो अटेंशन नहीं दे पाएगा अपनी पढ़ाई में या कोई भी जो टास्क वो कर रहा होगा उस गिवन टास्क में, वो अपना अटेंशन नहीं दे पाएगा। दूसरा क्या है इसमें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी से मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, अगर आप उसके साथ कैरम खेल रहे हो तो कैरम फेंक देगा, वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा हाइपर होता है, छोटी छोटी बातों को कभी भी हाइपर हो जाता है, तो उसको बोलेंगे ADHD। ओके, सेकेंड है हमारा ASD, ये होता है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसमें जो बच्चे होते हैं जो मेनली 1 से 2 साल की एज में डायग्नोस किया जाता है, बच्चे को सुनाई दे सकता है, बच्चा वो बोल भी सकता है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करेगा कि वो उसको सुनाई या वो सुनने या बोलने में प्रॉब्लम है, इसको मेनली कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वो सोसाइटी में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो उसको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है, वो लोगों से बातचीत करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसी को बोलेंगे हम ASD। ओके, थर्ड है हमारा OCD। OCD क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है हमारा, कि इसमें जो एक छोटा सा डर होता है, अनरीजनेबल फियर होता है, उसको बड़ा चढ़ाकर देखना, कि भले वो डर रियल में है नहीं, लेकिन उस डर को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखना, उसको बोलेंगे हम OCD। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो एक व्यक्ति, जैसे आपने एक मूवी देखा वो DJ मूवी, तो DJ मूवी में जो एक व्यक्ति होता है वो उसके मन में जम्प्स के लिए बहुत फियर होता है, उसको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, एंग्जाइटी होता है, कि बात बात पे वो हाथ धोता है, कुछ भी किसी से हैंडशेक करता है तभी वो अपने हाथ को सैनिटाइज करता है, हालांकि अभी तो हम सब के लिए ज़रूरी हो गया है, लेकिन पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए जो अनरीजनेबल फियर है उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस लाना, उसको बोलेंगे हम OCD। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ODD। ODD क्या होता है, इसका मतलब होता है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर्स। तो जो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनको हमेशा आप कोई भी बात करेंगे हमेशा आपके अपोज में रहेंगे, हमेशा आपसे आर्ग्यू करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम ODD। ओके, तो इसमें होता क्या है कि इन लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, आप इनसे नॉर्मल बात भी करेंगे तो हमेशा आपसे आर्ग्यू करेंगे, आपसे हमेशा झगड़े करने पे उतारू रहेंगे। ओके, जैसे आप समझेंगे, इसके आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आप उसे समझेंगे अपोजिशन, तो यानी कि हमेशा अपोज करने वाले। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन हम रीड करते हैं एक बार फिर से। तो क्या है हमारा, व्हेन चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट विद इन सोसाइटी और हैविंग नो फ्रेंड्स इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, मतलब उसको सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके कोई दोस्त भी नहीं होते हैं,
तो उसको क्या बोलेंगे, ADHD, ASD, ODD या OCD। तो ADHD तो अटेंशन होता है कि अटेंशन नहीं दे पाता है, ASD कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ODD मैंने बता दिया, OCD तो इसका आंसर होगा हमारा ASD, क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता इसलिए उसके सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है और कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं उसको, इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, इसी का एक और में क्वेश्चन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स वो क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंटिव डिसऑर्डर्स, ऑप्शन बी एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग डिसऑर्डर या ऑल ऑफ द अबव। तो आर्ग्यूमेंटिव डिसऑर्डर क्या होता है, वो हमारा ODD होता है, अपोजिशनल, जो मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एंजाइटी डिसऑर्डर, कि छोटे से फियर को बहुत बढ़ा के दिखना, क्योंकि रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग डिसऑर्डर नहीं हो सकता है। ओके, और ऑल ऑफ द अबव तो फिर सवाल ही नहीं होता है, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में कॉज डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो किस रिलेटेड होती है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड। इसमें आपने सुने होंगे तीन वर्ड, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से रिलेटेड। पहला हो गया हमारा डिसलेक्सिया, दूसरा हो गया हमारा डिसग्राफिया, तीसरा हो गया हमारा डिसकैल्कुलिया। तो जो डिसलेक्सी होता है वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू रीडिंग होता है, जो डिसग्राफी होता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू राइटिंग होता है, डिसकैल्कुलिया होता है प्रॉब्लम टू रिलेटेड टू जो मैथमेटिक या कैलकुलेशन बोल सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन में लिख देता हूँ, तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मेनार्की इज डिफाइंड एज द एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो बात करते हैं मेनार्की क्या होता है, मेनार्की मैं आपको वर्ड बताऊँ, मेनार्की होता है जब भी एट द एज ऑफ 11 to 14 ईयर्स में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसी को मेनार्की बोलते हैं। तो इसको क्या, बी आंसर क्या होगा हमारा, बी बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। ओके, ना बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस इज ए पोस्टरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद फुट, लेग, वर्टिब्रल कॉलम, हैंड। तो क्या होता है, स्कोलियोसिस हमारी अपर बॉडी से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होता है, जिसमें हमारी बॉडी साइडवर्ड ट्विस्ट हो जाती है। ओके, तो दो टाइप्स के होते हैं, पहला तीन टाइप्स के होते हैं टोटल हमारे। पहला होता है हमारा काइफोसिस, इसमें बॉडी आगे की तरफ लीन हो जाती है। दूसरा होता है हमारा लॉर्डोसिस, जिसमें बॉडी पीछे की तरफ हो जाती है। देखो काइफोसिस किस वजह से होता है, जो बच्चे झुककर बैठ के पढ़ते हैं या फिर जो माइन वर्कर होगा जो झुककर काम करते हैं तो उनको काइफोसिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आगे झुककर काम करते हैं, उस बैड हैबिट फॉलो करने की वजह से उनको काइफोसिस होता है। दूसरा हो गया हमारा लॉर्डोसिस, ये होता है ये बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी या बिकॉज ऑफ ओबेसिटी होता है, जो हमारी स्टमक की जो मसल्स हो गए हमारे जो है ना वो बैक की जो मसल होगी वो आगे तरफ स्ट्रेच होती हैं, तो इससे हमारा बैक पीछे की तरफ हल्का सा झुक जाता है, तो उसको बोलेंगे लॉर्डोसिस। तो ठीक है, थर्ड होगा हमारा स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो बॉडी हमारा इधर लेफ्ट और राइट साइड टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये किस वजह से होता है, ये होता है नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हमारे गांव में जो लोग हैवी बकेट कैरी करते हैं डेली उसी में आते जाते हैं, ठीक है, ये उस वजह से हो सकता है। या फिर आपने देखा होगा जो विलेजेस में या रूरल एरियाज में जो मदर्स होती है वो अपने बेबी को अपनी साइड में कैरी करती हैं, तो उस वजह से भी स्कोलियोसिस हो सकता है। ओके फ्रेंड्स,